तो अगली विशेषता है आपकी संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान की यह एक विशेषता है कि इसमें संसदीय संप्रभुता भी है और न्यायिक सर्वोच्चता भी है। इन शब्द का मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून है, वो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। लेकिन उस कानून के हिसाब से जब कोई कानून का उल्लंघन करता है तो जाएगा कहाँ? कोर्ट के पास में जाएगा। और कोर्ट को अधिकार दिया गया है सर्वोच्चता का कि उसका फैसला सर्वमान्य हुआ। ऐसे में जो कानून है देश में क्या होगा कैसे होगा ये काम संसद तय करती है, लेकिन उसका जांच करने का सर्वोच्च अधिकारी सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका मतलब कि संसदीय संप्रभुता भी है कि वो चाहे तो कानून में बदलाव कर दे, बाद में सुप्रीम कोर्ट उसी कानून की व्याख्या कर देगा। तो ये एक अलग विशेषता है भारतीय संविधान की। अगली विशेषता है इसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो विशेषता है यह एक ऐसी विशेषता है जो समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त है। और ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार का मतलब कि किसी भी नागरिक का एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते जो सबसे मूलभूत अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हैं। जैसे बोलने का अधिकार, हम अपने सरकार से कोई सवाल पूछ सकते हैं, हम अपनी कोई बात रख सकते हैं, हम कोई संघ बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं, या जीवन जीने का अधिकार। ये सब कैसे अधिकार हैं? मौलिक अधिकार हैं। अपने धर्म के अनुसार उपासना करने का अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार है। तो ये किसी नागरिक के मूलभूत अधिकार होते हैं। तो यह भी भारतीय संविधान का एक विशेषता है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मौलिक कर्तव्य। अभी ये किस अनुच्छेद में है, कौन कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार में है, कौन सा मौलिक कर्तव्य में है, ये सब आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहां पर हम केवल संविधान की विशेषता को पढ़ रहे हैं। तो अगला है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक अधिकार आपको दिया गया है उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी आपके कुछ संविधान में बताए गए हैं। यह सोवियत संघ रूस से प्रेरित है, वहां से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है? बिना कर्तव्य के अगर किसी को अधिकार दे दिया जाए तो वहां पर ऐसी प्रबल संभावना होती है कि अराजकता जन्म ले ले। जैसे सिर्फ आपसे कह दिया जाए कि आप ये संपत्ति या पैसे ले लीजिए, ये अधिकार ले लीजिए, बाकी आपके कर्तव्य कुछ भी नहीं है, तो आप अराजक हो जाएंगे। इस बात की संभावना लगभग 99% होती है।
इसीलिए हर समाज में कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो भारतीय संविधान के हिसाब से भारतीय समाज चलता है, भारतीय सरकार चलती है, इसलिए कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं कि आपको देश के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं रखना है, आपस में मेल मिलाप रखना है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को एक साथ लेकर के चलना है। तो ये सारे कर्तव्य जो हैं, 11 कर्तव्य हैं जो आपके संविधान में निर्धारित किए गए हैं, इनकी चर्चा हम जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। अभी सिर्फ इसकी एक विशेषता के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगला है आपका वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इसके अनुसार भारत में रहने वाला हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है, वह भारत के चुनाव में जो चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या कोई स्थानीय चुनाव हो, उसमें मत देने का अधिकारी होता है। 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है, यानी कि जो वयस्क की आयु सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। पहले यह सीमा 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बदलाव करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। ये सवाल कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में आ चुका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन है, 1989 में हुआ था। तो ये वयस्क मताधिकार भी एक विशेषता है और भारतीय संविधान में ये संविधान लागू होने के साथ साथ ही शुरू हो गई थी। बाकी दुनिया के अन्य संविधानों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन संविधानों में वयस्क मताधिकार धीरे धीरे लागू हुआ है। वहाँ पर शुरुआत में सिर्फ व्यापारियों को मत देने का अधिकार दिया गया, फिर पुरुषों को दिया गया, महिलाओं को अधिकार बहुत बाद में दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान लागू होने के साथ साथ ही वयस्क मताधिकार दिया गया। अगली विशेषता पर चलते हैं। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका क्या तात्पर्य है? एकीकृत का मतलब होता है कि जब कोई चीज किसी एक चीज में समाहित हो जाए, यानी कि सारी जो शक्तियां हैं किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हो, उसका मतलब एकीकृत होता है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका मतलब कि भारत में जो कानून व्यवस्था है उसको लागू करवाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, और इसके अंडर में सारे हाई कोर्ट आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो अन्य न्यायालय हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे।
तो यहां पर क्या है कि एकीकृत, एकीकृत का मतलब कि इन सब से ऊपर भी एक शक्ति है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये एकीकृत का मतलब है कि सारी शक्तियां जाकर के यहीं पर समाहित हो जाती हैं, लेकिन इनको भी कुछ फैसले करने का अधिकार है, इनको भी फैसले करने का अधिकार है, तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र भी हैं, ये स्वतंत्र भी हैं, और इनकी अंतिम शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के समाहित हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली विशेषता की तरफ हम चलते हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है, भारत में संसद है, न्यायालय है और बहुत सारे विधानसभाएं हैं, यानी जितने स्टेट हैं उनकी विधानसभाएं हैं, विधान परिषद हैं, सचिवालय हैं, तो ये सब एक संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थापित है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी कुछ संवैधानिक निकाय हैं जो अपने काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा सभी राज्य लोक सेवा आयोग, सभी राज्य लोक सेवा आयोग, ये सब क्या है? एक स्वतंत्र निकाय की तरह काम करते हैं जो अपने फैसले लेने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि भारतीय संविधान में संसद, विधानसभा, इन सब के अतिरिक्त स्वतंत्र निकाय भी हैं। यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगली विशेषता है आपका आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अब इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि जब देश में कोई ऐसी समस्या पैदा हो जिसमें पूरा देश प्रभावित हो तो वहां पर आपातकाल लगाया जाता है। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे पूरा देश प्रभावित हो सकता है, इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपातकाल भारत में तीन प्रकार के लगाए जाते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के तीन प्रकार हैं। पहला है जब सशस्त्र विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण हो, तो जब सशस्त्र विद्रोह हो या बाहरी आक्रमण हो, ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरे प्रकार का आपातकाल राज्यों में, भारतीय राज्यों में जब संवैधानिक संकट उत्पन्न होते हैं, Thank you.
तब लगाया जाता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में है। इसके लिए राष्ट्रपति शासन शब्द का भी प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति शासन। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव हुआ है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में जो नियम है कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार उस पार्टी को न्योता देता है जो बहुमत सिद्ध करने के लिए लगभग लगभग उसके पास विधायक या जो सदस्य हैं वो हों। तो इसलिए एक परंपरा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उस राज्य की, उसको सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए सरकार बनाइए। उसके बाद में फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट का मतलब कि सदन में वोट पड़ता है कि क्या ये सरकार विश्वास मत में है, यानी कि जितने जरूरी सदस्य हैं क्या है इनके पास या नहीं है। तो फिलहाल अभी महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि वहाँ पर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रण राज्यपाल के द्वारा दिया गया, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि हमारे पास बहुमत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सदस्यों की संख्या नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राज्यपाल किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, जो उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी हो, उसको न्योता देता है। तो उसने शिवसेना को न्योता दिया है और उसको आज तक का टाइम दिया है सरकार बनाने का। अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाती है निश्चित समय काल में, तो वहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति को यह बताएगा या सूचना देगा कि यहाँ पर संवैधानिक स्थिति सही नहीं है, यहाँ पर सरकार का निर्माण नहीं हो पाया है, अतः यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग जाएगा। तीसरा होता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात का मतलब होता है कि जब देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि वित्त की समस्या हो जाए, धन की समस्या हो जाए, देश चलाने में जिस चीज की आवश्यकता है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जब बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात होता है। हालांकि अभी भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। तो इस पर कई बार प्रश्न यूपीएससी में भी आया है और यूपीपीसीएस में भी आया है, छोटे मोटे परीक्षाओं में भी आते रहते हैं कि कितनी बार भारतीय इतिहास में वित्तीय आपात लगाया गया है। तो इसका जवाब है अभी तक कभी नहीं। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगली विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान की यह भी एक सुंदर विशेषता है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार है। अब त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर है आपका संसद, फिर है आपका विधानसभा प्लस विधान परिषद,
या जहां पर नहीं है वहां पर सिर्फ विधानसभा, और उसके बाद में स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक, तो त्रिस्तरीय सरकार का मतलब होता है कि सबसे ऊपर संसद, उसके बाद में जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उसके बाद में स्थानीय सरकार। तो इसका, इसमें आम चुनाव होता है। ये देश की सबसे बड़ी, सबसे बड़ा सदन है जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है। उसके बाद में विधानसभा है जो राज्यों का राज्यों के लिए कानून बनाती है, उसमें जो प्रावधान तय करती है उसके हिसाब से राज्य का कामकाज चलता है। और तीसरा है स्थानीय सरकार, इसका काम कानून बनाना नहीं होता है। स्थानीय सरकार कानून नहीं बनाती है, यह सिर्फ एक नेतृत्व होती है जो अपने जनता का, स्थानीय लोगों का जो काम होता है उसको संचालित करती है और उनके समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाती है। जैसे प्रधान होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ये स्थानीय सरकार में आते हैं। तो त्रिस्तरीय सरकार का यह तात्पर्य है। इसका प्रावधान संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसके तहत पंचायत का गठन किया गया, पंचायतों का गठन किया गया। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही जो जिला परिषद है, उसमें जो जिला पंचायत होता है, जिला के कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, उनका व्यवस्था कैसे चलेगा, उसका संशोधन भी करके जोड़ दिया गया। तो ये त्रिस्तरीय सरकार भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता